क्या मतलब है तुम्हारा? मामी यही बताने आया तुम्हें, तुम पहले आराम से बैठ जाओ। उस दिन जब मैं पार्टी से निकला तो तुम्हें ढूंढते हुए अचानक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर अपना कोई काम निकलवाने आए हो या फिर से मेरे परिवार को धोखा देने आओ? याद रखना, इस बार ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा तुम्हें। राहुल, मुझे मेरे कुकर्मों की सजा मिल चुकी है, मेरी मौत निश्चित है। वो अग्नि जिसका मैंने साथ दिया वो मुझे मारना चाहता, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगने नहीं आया तुमसे, बल्कि मैं तुम्हारी और मानवी की मदद करना चाहता हूँ। मेरी और मानवी की मदद मैं खुद कर लूंगा, और रही कबीर की बात तो अच्छा है, तुम वही डिजर्व करते हो। नाउ गेट लॉस्ट। राहुल, वो संदूक तुमने, हम मानवी ने उस सीन को हाथ लगाया तो अपनी जान गवा दोगे तुम लोग। मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था मानवी, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने ये सब खुद कबीर के मुंह से सुना। वो सिंह बरसों से खून का पैसा है, जो भी पहला इंसान उसे हाथ लगाएगा ना, वो उसे खत्म कर देगा, फिर वो राहुल ही क्यों ना। आपको ये सब कैसे पता? मैंने तुम्हें बताया था ना, गुरु के पास मैंने वो किताब पढ़ी थी अंबिका, उसमें साफ साफ लिखा है। फिर तो गुरु ने पढ़ लिया होगा, मुझे उस गुरु पे बिल्कुल भरोसा नहीं। वो पहले भी एक बार हमारे लिए पलट चुका है और एक बार फिर पलट सकता है। तुम चिंता मत करो, गुरु वो किताब पढ़े उसके पहले मैंने वो पन्ने फाड़ दिए हैं। बस एक बार वो सिंह मिल जाए अम्मा, उस गुरु को तो मैं सबसे पहले खत्म कर दूंगा। क्या? ये सब उस गुरु ने मुझे खुद बताया। वो सिंह एक काली शक्ति का प्रतीक है, एक खतरनाक सांड की जो इंसान के खून का प्यासा है। अगर तुमने मानवी ने उसे छुआ, अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे तुम्हें। बेवकूफ समझा है मुझे, मैं तुम्हारी फितरत अच्छी तरह से समझता हूँ। कबीर ने भेजा है ना तुम्हें ये सारा कुछ सिखा के? नहीं राहुल, आखिरी एक बार मेरा कहा मान लो, मेरे लिए ना सही, अपनी और मानवी की जान के लिए एक बार मेरी बात मान लो राहुल। तो फिर हमें अभी मानवी को रोकना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। ठीक है राहुल, तुमने जो कुछ भी कहा मैं सब मानती हूँ, लेकिन मैंने तो सिंह को हाथ भी नहीं लगाया था और फिर भी तुमने। जानता हूँ कि तुमने सिंह को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन तुम उस संदूक तक पहुंच चुकी थी और तुमने उस संदूक को खोल दिया था। मानवी, वो सिंह बहुत ही शक्तिशाली है और वो इंसान का खून मांगती है। अगर उस वक्त मैं तुम्हारा खून नहीं बहाता, तुम्हारा खून उस सिंह के ऊपर नहीं गिराता, तो वो सिंह तुम्हें खत्म कर देता। अगर मैं गुरु की बात को नहीं मानता तो हो सकता था कि तुम हमेशा के लिए। मेरे लिए ये रिस्क लेना जरूरी था मानवी, थोड़ा सा खून बहा के मैं बस मेक श्योर करना चाहता था कि तुम्हारी जान को कुछ ना हो। एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने तो कुछ भी बुरा नहीं किया। ना चाहते हुए भी तुम्हें तरती है ना मानवी मैंने, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो सब कुछ वो किया जो उस वक्त तुम्हें करना चाहिए था।